राम मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम समुदाय अब खुलकर सामने आ रहे हैं। जहां पर कुछ राजनेता राम मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम वोट साधने में लगे हैं, तो वही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अब राम मंदिर निर्माण के लिए खुद मैदान में है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक नारा दिया है, कसम खुदा की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे। वही इस नारे को और बुलंद करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक मोहम्मद अफजाल ने कहा है कि बाबर हमारा वंशज नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हर मुस्लिमों में भगवान राम का DNA है। कि हम ये देखते आ रहे हैं कि जब से आज़ाद हुआ है ये मुल्क, और ये विषय कहीं ना कहीं लटका हुआ है, और इस पर हिंदू और मुसलमान बहुत सारे इसके उनका खून जो है वो इस पर वो हमेशा लुटाया गया खून, और सिर्फ भगवान राम के नाम पर और मंदिर और मस्जिद के नाम पर। क्या हमारा देश, हमने आज़ादी इसलिए ली थी कि हम आपस में लड़ें, और सिर्फ भगवान राम कोई बाबर हमारा रिश्तेदार नहीं है। हमारा DNA जो है वो भगवान राम का, हिंदुस्तान के मुसलमानों का भगवान राम का DNA हो सकता है और है, लेकिन बाबर का और हमारा DNA कभी भी एक नहीं है। तो वहीं इसी से जुड़ी हुई रथ यात्रा जो शुरू हो रही है आज से, जो कि 9 तारीख तक चलेगी, संघ की रथ यात्रा है। आपको बता दें इससे जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां, संकल्प रथ यात्रा इसे नाम दिया है। दिल्ली के झंडे वालान से आज ये शुरू होगी और पूरे दिल्ली में ये रथ यात्रा जाएगी। दिल्ली के 8 जगहों से ये रथ यात्रा गुजरेगी। पहाड़गंज, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट, आनंद पर्वत, ये वो जगह हैं जहां से रथ यात्रा गुजरती हुई आगे बढ़ेगी। राजेंद्र प्ले स्टेशन, शादीपुर मेट्रो स्टेशन पर ये यात्रा खत्म होगी। स्वदेश जागरण मंच रथ यात्रा की जिम्मेदारी संभाल रहा है। वहीं राम मंदिर के लिए जन समर्थन जुटाना इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। बता दें इसके बाद में जब समापन होगा तो रामलीला मैदान में एक बड़ी धर्म सभा का आयोजन 9 दिसंबर को आयोजित किया गया है।